हेलो और स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं इस लॉर्ड ऑल्टो केटन के बारे में जो कि इंडिया की एक छोटी अफोर्डेबल कार है हाँ मतलब प्राइस वाइज पहले की जितनी सस्ती तो नहीं रही लेकिन हाँ इसको पालना बहुत आसान है और रिसेंटली इस होली के टाइम पे इस पर एक ऑफर चल रहा है तो यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पे एक नया फीचर एड ऑन कर रखा है जो कि यहाँ पे फर्स्ट इन सेगमेंट बन चुका है मतलब इस सेगमेंट में जो और जो छोटी गाड़ियां आती हैं उनमें भी वो फीचर नहीं मिलता तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जानते हैं क्या वो फीचर है क्या ये मॉडल है क्या इसकी प्राइसिंग है कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी तो इसमें कहा था यह है 2024 की ऑल्टो K10 और जो मॉडल आप देख रहे हैं ये है इसका VXI एस प्लस मॉडल जो कि टॉप मॉडल है और डिस्काउंट के बारे में आपको बताता हूं तो यहाँ पे आपको थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट मिल जाता है मतलब जिसकी प्राइसिंग है वैसे ऑन द रोड इस वी एक्स प्लस मॉडल की आपको छह लाख बीस हजार रुपए तक समथिंग पड़ जाती है विद एक्स सीरीज इंक्लूडेड और अगर इसमें पैंतीस हजार रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो लगभग लगभग मान लो इसमें आपकी जो प्राइसिंग है पांच लाख अस्सी पांच लाख पचास हजार रुपये तक पड़ जाती है बाकी सब वही बेसिक चीजें यहाँ पे आपको मिलती है मतलब जैसे आप हुड में देख सकते हो वो वाटर का स्प्रे लगा हुआ मिल जाता है फ्रंट में आपको एलोजन लाइट्स मिल जाती है काफी बड़ी ग्रिल मिलेगी अगर आप पुरानी ऑल्टो के टेन को देखते हो तो वो थोड़ी एग्रेसिव रखी गई थी मतलब थोड़ा शार्प था यहाँ पे थोड़ा बल्कि डिजाइन रखा हुआ है इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे भी सब सिंपल सिंपल चीजें मिलती है जैसे तेरह इंच के यहाँ पे स्टील मिलेंगे बॉडी में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं ऐसी चीजें आपको मिलती है इस एंड अमाउंड में यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो की इंडियन रोड के हिसाब से ठीक है मतलब छोटे मोटे रास्तों में इजिली कार चली आती है लेकिन तब भी पता नहीं कार पहाड़ों में बहुत अच्छा से परफॉर्म कर लेती है ड्यू टू ट काफी हल्की है गाड़ी है बाकी देख सकते हो व्हील कैप इस तरह से टॉप मॉडल में आपको लगे हुए मिल जाते हैं तेरह इंच के यहाँ पे आपको टायर मिलते हैं ट्यूबलेस टायर आपको मिलेंगे और साइड में इंडिकेटर आपको लगा हुआ मिलेगा और जो ऊपर ओ आर वी एम में ये मैट फिनिश में मिलते हैं और इनको आपको मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा मतलब इनमें आपको इलेक्ट्रिक वाला एडजस्टेबल ऑप्शन नहीं मिलता है बाकी क्रोम का कहीं पे भी यूज नहीं हो रखा है इस कार में बहुत कम मिलेगा और डोर हैंडल्स थोड़े ओल्ड स्कूल फैशन में रखे हुए हैं जो कि कार को सूट भी करते हैं कि इस तरह से इन शीशों को आप मैनुअली एडजस्ट करिए कोई भी इलेक्ट्रिक ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा आपको बाकी पे आपको 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है पेट्रोल और सीएनजी दोनों में ये कार आती है और देखो भाई ब्लैक कलर में ये कितनी बढ़िया लग रही है मतलब ब्लैक कलर जरूर लेना अगर आप थोड़ा डिफरेंट टेस्ट चाह रहे हो इस कार के लिए और यहीं से हम बैक पोर्शन में चलते हैं तो पीछे भी आपको सिंपल सिंपल ऐसी चीजें मिल जाती है और पीछे का लुक पता नहीं क्यों मुझे हल्का हल्का जो नई वाली सलहरी है उसकी याद दिलाता थोड़ा जो टेल लाइट वाला सेक्शन है थोड़ा उसके ही सिमिलर लगता है बाकी टेलर की बात करें तो ये भी पूरी आपको प्रॉपर हेलोजन मिल जाती है कोई आपको ऐसी हाँ, तो बूट खोलने के लिए यहाँ पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वाला ऑप्शन नहीं मिलता दो तरीके से यहाँ पे बूट अनलॉक कर सकते हो या तो चाबी से भी दिखाना भूल गया था आपको मैं तो यहाँ पे रिमोट की मिलती है आपको लॉक अनलॉक का इसमें आपको फंक्शन मिलता है और इस तरह से जब चाबी को लाओगे तो इसकी जो बूट है वो अनलॉक हो जाती है बाकी दूसरा तरीका बूट खोलने का ये है कि ड्राइवर साइड जो लेबर होता है आपको उसको पुल करना पड़ेगा और जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगी बाकी सब देख सकते हो यहाँ पे आपको 217 लीटर की बूट स्पेस मिलती है जो कि काफी छोटी है तो यहाँ पे आप छोटे मोटे स्टफ ही रख सकते हो ज्यादा बड़ा लगेज यहाँ पे नहीं आ पाएगा इस मामले में मुझे क्विट काफी बढ़िया लगी क्योंकि उसमें आपको ऑल्टो से काफी बड़ी डिग्गी मिल जाती है तो वहां पे थोड़ा और ज्यादा स्टफ रख कैरी कर सकते हो अगर आपको बड़ा लगेज रखना है तो उसके लिए आपको आगे वाली सीट को फोल्ड करना पड़ेगा तो K10 का जो बाहर का एक्सटीरियर है बाहर की चीजें मैंने आपको दिखा दी सिंपल सिंपल चीजें कोई ज्यादा फैंसी चीजें तो नहीं है अब यहाँ से चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ को और देखते हैं इस वी प्लस मॉडल में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो दरवाजा है उसके बारे में बात करेंगे तो कहीं पे भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा गाड़ी में और यहाँ पे छोटा सा एक वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है उसके बगल में थोड़ी सी स्पेसिंग है और चार स्पीकर भैया आप अब आपको इस कार में मिलते हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है यहाँ पे लीवर दे रखे हैं फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं जो कि आपको डिसेंट अमाउंट में कम्फर्ट देती हैं और इनमें अभी भी आपको कोई एडजस्टेबल हेड्रेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा सब फिक्स रहता है और जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से आपको दिखता है बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है पूरा ब्लैक कलर में आपको मिलेगा सिंपल सिंपल फीचर्स के साथ ए सी का डिजाइन कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मिलता है मैन्युअली गाड़ी को ऑन करना पड़ता है क्योंकि स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं आता है स्टॉप मॉडल में और जिसका स्पीडोमीटर है वो आपको थोड़ा एक सेमी डिजिटल टाइप में मिल जाता है जो कि आपको बेसिक बेसिक फीचर शो कर देगा गाड़ी के बारे में टेरिंग में आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसमें आपको वॉइस कमांड और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फंक्शन भी मिलेंगे बाकी इस टॉप मॉडल में आपको टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि एंड्रॉइड एप्पल दोनों को सपोर्ट करती है टच स्क्रीन खाली आपको इस वी एक्स आई प्लस मॉडल में ही मिलेगा बाकी नीचे आपको मैनुअल ए सी मिल जाता है और इसी के नीचे आपको सॉकेट्स मिल जाते हैं जिसमें आपको ट्वेल्व वोल्ट हो गया और यूएसबी वाले जो पोर्ट्स हैं वो मिलते हैं बाकी छोटे का फोल्डर हो गए आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं आता है इस कार में ऊपर आपको आयर मिल जाता है ड्राइवर साइड आपको एक स्ट्रैप मिल जाएगा को ड्राइवर साइड भी कोई मिरर का को ऑप्शन नहीं आता है बीच में हेलोजन लाइट हो गई ऐसे जो छोटे मोटे बेसिक बेसिक से जो फीचर्स हैं वो इस कार के अंदर आपको मिलते हैं अगर ग्लब बॉक्स को देखोगे तो छोटा सा मिलता है बूटी चीजें रखने के लिए इस टाइप के जो फीचर्स हैं वो है आपको यहाँ पे मिलेंगे और यहीं से अगर हम इसकी बैक सीट में चलते हैं तो कि उतनी कंफर्टेबल जगह नहीं है अगर आप काफी हेल्थी हो या फिर लंबे चौड़े लोग हो तो उतना कंफर्टेबल पीछे की सीट में आप फील नहीं करोगे तो सबसे पहले अगर डोर दिखाऊं तो यहाँ पे भी कोई भी सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा आपको और शीशे भी आपको ऊपर नीचे मैन्युअली करने पड़ेंगे कोई भी इलेक्ट्रिक ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता नीचे आपको ये स्पीकर मिल जाता है जैसे मैंने कहा था फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है चार स्पीकर यहाँ पे आपको मिलते हैं और जो सीट्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखती हैं यहाँ पे जो कि डिसेंट अमाउंट में कम्फर्ट आपको देती हैं क्योंकि इनका सीट्स का एंगल जो है थोड़ी सीधा है मतलब तो थोड़ी स्ट्रेट है तो जिस वजह से बैक सपोर्ट डिसेंट सा मिलता है हेड सपोर्ट डिसेंट है क्योंकि कोई भी हैड का ऑप्शन नहीं आता है यहाँ पे हेडरूम स्पेस भी ठीक है यहाँ पे अगर आपकी हाइट काफ़ी लंबी है और थोड़े हेल्थी हो तो यहाँ पे आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे अगर आप छोटी हो अगर आप हाइट में छोटे हो पतले हो तो आपको यहाँ पे कंफर्ट मिल पाएगा और अगर आप चार बैठते हो तो ही कंफर्टेबल फील करोगे अगर आप पांच बैठते हो तो आपको काफ़ी एडजस्ट करना पड़ेगा तो अब लास्ट इसका जो इंजन है उसकी तरफ को चलते हैं जो कि मेन इस कार की जान है क्योंकि वहीं पे आपको एक अच्छा माइलेज मिलता है यही वो इंजन है जो इस गाड़ी को पहाड़ों के किसी भी रास्ते में लेके चले जाता है जहां पे और गाड़ियाँ फेल हो जाती हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है हजार सीसी का के टेन सी पेट्रोल इंजन डिसेंट अमाउंट में पावर जनरेट करता है अराउंड 66 सिक्स बी एच पी एंड नाइनटीमीटर ऑफ टॉक जो कि गाड़ी के हिसाब से ठीक है पावर टू वेट रेशियो बी पे ठीक बैठ जाता है कि गाड़ी काफ़ी हल्की है इसी वजह से गाड़ी आपको एक अच्छा खासा माइलेज भी निकाल के देती है ट्वेंटी फाइव का माइलेज कंपनी क्लेम करती है मतलब ये गाड़ी आपको बहुत ईजिली ट्वेंटी प्लस का माइलेज निकाल के देती है और हल्के वजन की वजह से ये गाड़ी पहाड़ों में ईजिली परफॉर्म भी कर लेती है वहां वहां भी चले जाती है जहाँ पे और गाड़ियाँ अटक जाती है तो इस ऑल्टो के टेन के बारे में हमने आपको हर एक चीज अच्छे से बता दिए मतलब इंजन हो गया इंटीरियर हो गया एक्सटीरियर हो गया डिस्काउंट आपको बता दिया थर्टी फाइव का डिस्काउंट इसमें चल रहा है तो अब इसका प्राइस आपको फाइव लैख एटी तक पड़ जाता है और इसमें फर्स्ट इन सेकेंड फीचर ये कि इसमें अब आप आपको चार स्पीकरस मिल जाते हैं पहले दो ही आते थे और इसकी जो कम्पटिटिंग कार है उनमें अभी भी आपको दो मिलते हैं तो जिस वजह से ये एक अच्छा एडाउन लगता है बाकी आपको क्या लगता है क्या चीज में और एड ऑन करनी चाहिए थी सेफ्टी को अलग रख के कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना और कैसी लगी आपको ये टेन वो भी जरूर बताएं बाकी चैनल में नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे बहुत जल्द मिलते हैं आपको ऐसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत